नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि मैं अपने इस चैनल पर नई नई वीडियो लाता रहता हूं जो पेंटिंग राइटिंग आर्ट से संबंधित होती है। और आज की इस वीडियो में भी हम एक नया विषय लेकर आए हैं, तो चलिए आप वीडियो देखिए। तो दोस्तों, आज की जो हमारी वीडियो का विषय है वो है हर प्रकार का पेंट, कहाँ पर कौन सा पेंट यूज़ होता है, फिर चाहे वो एनामेल पेंट हो, एक्रिलिक पेंट हो, वाटर बेस्ड हो, ऑयल बेस्ड हो, उनमें से कोई सा भी पेंट हो तो उसे हम कहाँ कहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। मेटल पर कौन सा पेंट यूज़ होगा, और दीवार जो होती है सीमेंट की दीवार वहाँ पर कौन सा होता है, और लकड़ी पर कौन सा होता है, राइटिंग के लिए कौन सा पेंट यूज़ होता है, तो ये सब विषय पर आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो ये हमने सबसे पहले नेरोलैक का एनामेल पेंट लिया है जो ऑयल बेस्ड होता है। तो ये जो पेंट है ये पुराना है थोड़ा, तो इसमें ऊपर से पपड़ी जम गई है, तो पपड़ी के नीचे ये बिल्कुल सुरक्षित होता है, ये ख़राब नहीं हुआ है, इसलिए हम इसकी पपड़ी जो है ये उखाड़ेंगे नहीं, क्योंकि अगर ये पपड़ी उखाड़ दी तो उसके बाद इसे तुरंत ही यूज़ करना पड़ता है, इसलिए हम इसे रहने देंगे। तो ये भी हमारे पास जो दूसरी छोटी पैकिंग है ये भी एनामेल पेंट है, तो इसमें भी ऑयल का ही यूज़ होता है। तो इसके बाद भी एक और छोटी पैकिंग है, तो इसमें हम ऑयल जो तारपीन जिसे कहते हैं पतला करने के लिए हम इसमें तारपीन का यूज़ करेंगे। तो ये एनामेल पेंट था जो, तो ये इसमें मिलाने के लिए तारपीन है। तो इसके बाद हम जो दूसरा पेंट दिखा रहे हैं वो है एपेक्स पेंट, ये एशियन कंपनी का है, अमनशन पेंट जिसे कहते हैं एक्रिलिक अमनशन। तो ये एक्सटीरियर पेंट होता है जो एक्सटीरियर मतलब बाहरी दीवारों के लिए, तो इसे आप सीमेंट की जो दीवार होती है या कोई बोर्ड बना है तो उस पर इसे पुताई और लिखाई के लिए यूज कर सकते हैं। तो ये वाटर बेस्ड होता है और एक्सटीरियर, और ये बाहरी दीवारों के लिए होता है और ये डस्ट प्रूफ भी होता है। तो ये कहाँ कहाँ पर यूज़ होते हैं इसके बारे में हम विस्तार से आगे जानेंगे, तो तब तक आप, ये मैं दूसरी पैकिंग दिखाता हूँ, इसकी एक छोटी पैकिंग है। तो इसमें कलर अलग अलग मिलते हैं, फिर चाहे आप अपनी इच्छा अनुसार भी कंपनी द्वारा जो मशीन दी होती है कलर बनाने की, वहाँ पर शॉप में जाकर आप अपनी इच्छा अनुसार कलर भी बना सकते हैं, जो कलर आपको पसंद हो। तो ये जो है ये ब्लू कलर है, तो ये भी एपेक्स पेंट है, इसमें भी वाटर का ही, पानी का ही यूज़ होता है जब इसे पतला करना हो। तो इस पेंट से हम दीवार पर पुताई कर सकते हैं। और ये जो अगला पेंट है ये भी एपेक्स पेंट ही है जो अमनशन पेंट होता है, तो इसमें वाइट पेंट है और ये 1 लीटर की पैकिंग में है, छोटे छोटे जो पैकिंग है ये 1 लीटर की पैकिंग में है। चलिए इसे उखाड़ कर देखते हैं, ढक्कन इसका खोल कर देखते हैं। तो ये वाइट पेंट है जो वाइट बेस पेंट जो होता है। तो इन सभी जो अभी जो आपने कलर जो पेंट देखे हैं, इन सभी पेंटों में वाटर का ही, पानी का ही इस्तेमाल होता है इन्हें पतला करने के लिए। इस प्रकार से आप देखें कि ये थोड़ा सा इसमें बचा है वाइट पेंट,
जितना पेंट, ये जो अपेक्स पेंट होता है उसका, ये पानी मिलाकर दुगनी मात्रा में बन जाता है। तो ये जो अब हम छोटी पैकिंग देख रहे हैं, ये एक्रिलिक फैब्रिक कलर जो होता है, ये जो चित्रकला में इस्तेमाल होता है, तो ये भी वाटर बेस्ड होते हैं। तो अब हम दोबारा से जानेंगे कि हमने ये पेंट तो देखे लेकिन इन्हें यूज़ कहाँ कहाँ करना है। तो ये जो नेरोलैक का जो एनएमएल पेंट है, इसमें तारपीन मिलाना पड़ता है पतला करने के लिए, और इस पेंट को आप घर में जैसे लकड़ी का कोई दरवाज़ा है या खिड़की है या मकान के ऊपर चादर का छत है, तो उसके अलावा जैसे कोई मेटल का फर्नीचर हो या लकड़ी का फर्नीचर हो, और उसके बाद हम इसे रंगाई लिखाई में भी यूज़ करते हैं। तो ये तो एनएमएल पेंट के बारे में था। तो ये छोटी पैकिंग भी ये एनएमएल पेंट की ही है। तो इसे हम रंगाई लिखाई पुताई सब जगह इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसमें तारपीन का ही यूज होता है। तो अब अगला जो पेंट है, जो हमने एपेक्स पेंट देखे थे जो वाटर बेस्ड थे, तो इन पेंटों को मिलाने के लिए पानी का ही इस्तेमाल होता है, और हम इन पेंटों को रंगाई पुताई लिखाई और चित्रकला के लिए भी इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये जो पेंट होते हैं, ये वाटर बेस्ड एपेक्स पेंट जो होते हैं, ये वाशेबल भी होते हैं। तो इन्हें आप पानी से ही या ब्रश से भी साफ कर सकते हैं। जब आपका पेंट मैला हो जाता है या दीवार आपकी मैली हो जाती है, तो आप पानी की सहायता से इसे धो सकते हैं। तो यहाँ पर इसमें ये पूरी इसकी जानकारी दी है, किस तरह से इसको दीवार पर लगाना होता है और किस तरह इसका देखभाल करनी होती है, ये सारा कुछ इसमें यहाँ बताया होता है। तो ये आपको हर पैकिंग पर मिल जाता है। तो ये जो छोटी पैकिंग है, ये हमारे चित्रकला के लिए, कोई ड्राइंग वगैरह बनानी हो तो उनके लिए ये यूज़ होते हैं। जैसे कपड़े पर या कोई पेपर पर, किसी कैनवास पर हमें पेंटिंग करनी हो तो वहाँ पर ये यूज़ होते हैं। तो ये बहुत जल्दी ही सूख जाते हैं। तो अब हम जानेंगे इन सभी प्रकार के जो अभी हमने पेंट देखे हैं, तो इनमें ब्रश कौन कौन से कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं। तो ये जो ब्रश आप देख रहे हैं, ये सिर्फ एनएमएल पेंट में ही यूज़ होगा, और ये जो आप देख रहे हैं ये एपेक्स पेंट जो वाटर बेस्ड है, तो इसमें ये वाले ब्रश जो ये सिंथेटिक प्लास्टिक बाल वाले ब्रश होते हैं, ये थोड़े हार्ड रहते हैं, और ये वाटर बेस्ड पेंट में अच्छी तरह से यूज़ होते हैं। तो ये जो आपने ब्रश देखे, तो आप इन ब्रशों को भी इस तरह से एक डब्बे में, एक बॉक्स में सुरक्षित रखें। तो अब हम आपको दिखाते हैं एनएमएल पेंट जो वाटर बेस्ड है। एनएमएल पेंट है लेकिन उसमें पानी मिलाना पड़ता है, और पानी से ही वो पतला होता है, थिन होता है। तो ये एशियन पेंट का है, ये लग्जरी एनएमएल है, इसका नाम लिखा है। तो आज की वीडियो में तो दोस्तों इतना ही था। तो आपको मेरी ये आज की वीडियो की जानकारी कैसी लगी, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। दोस्तों चैनल पर नए हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाएं, और एंड स्क्रीन पर दिख रही इस वीडियो पर क्लिक करके मेरी नई वीडियो देखें। तो दोस्तों आप इसी तरह पेंटिंग राइटिंग का अभ्यास करते रहें, और मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में एक नई और हेल्पफुल जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।